so keeping that in सो कीपिंग दैट इन माइंड आई and that is why we will pick up from where we left jaise जैसे कि हम एक्सटर्नल सेक्टर कर रहे थे एक्सटर्नल सेक्टर में आज हम बात करेंगे exchange एक्सचेंज की, की फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है जब वो एप्रीशियट होता है तो किसको फायदा होता है जब डेप्रीशिएट होता है तो किसको फायदा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड वी विल कंक्लूड द्लास टॉकिंग अबाउट वॉट इज नीर एंड रीर जिसपे इस बार फिल्म में क्वेश्चन भी आया था और बहुत ही हाहाकार मच गया था बच्चों के बीच में क्योंकि उन्होंने क्यों ध्यान ही नहीं दिया था जब हम नीर एंड रीर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इस बार क्वेश्चन क्यों आया था उस पर वेन आई वॉज टेकिंग द क्लास फॉर इकोनॉमिक सर्वे दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड की नीर और रीर इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दैट इज वेल सो लेट स्टार्ट द क्लास बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एज यू ऑल नो कि भाई फाउंडेशन बैच सिर्फ पांच दिन रह गए स्टार्ट करने में होने में सो यू कैन स्टिल एनरोल फॉर दी बैच सोचिए मत अगर 2023 या 2024 आपका लक्ष्य है एनरोल फॉर दी बैच स्ट्रीम लाइन ऑफ प्रिपेरेशन और फटाफट से एक एक मोमेंटम पकड़िए बिकॉज कब तक लटकोगे बीच में कि नहीं मैम अभी तो देख रहे हैं अभी तो एनसीआर टी कर रहे हैं अब धीरे धीरे स्पेक्ट्रम उठाएंगे वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट वी डू नॉट हैिबर्टी एक बार में पेपर निकालना है तो इसलिए गाइडेड अप्रोच स्ट्रीम लाइन प्रिपेशन एंड डेफिनेटली अ मोमेंटम इज रिक्वायर्ड सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दी कोड नान की लाइफ अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन पे दिस प्राइज एटीन ट्रिपल नाइन इज दी प्राइज इफ प्रोवाइडेड यू यूज दी कोड नान की लाइफ चलो सो अब चलते हैं हमारे अबाउट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्चुअली मैंने एक्सचेंज रेट क्या होता है उसकी कोई स्लाइड नहीं बनाई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड की किस तरीके से एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो काम करता है वॉट एक्चुअली इज द एक्सचेंज रेट सिस्टम yes, निखिल बिल्कुल आपको पूरी बुक पढ़नी है पूरी बुक कवर टू कवर यहाँ पे कराना यूट्यूब पे इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल फॉर दी फैकल्टीज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि अगर कोर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन करिए दैट इज़ वायर वी टीच एंड वी पिक एवरी टॉपिक इन डिटेल हर टॉपिक और प्रम्स प्लस मीनस के पर्स्पेक्टिव से कवर कराया जाएगा बट येस डेफिनेटली निखिल आंसरिंग योर क्वेश्चन आपको बुक पढ़नी है नॉट दैट जो सिर्फ मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ दैट इज इट वो पूरे सफिशियंट नहीं होंगे यू हैव टू नो इवन बियॉन्ड दी बुक दैट इज द करंट अफेयर्स आपको सप्लीमेंट करने पड़ेंगे बिकॉज एक लिमिट के बाद कोई भी किताब करंट अफेयर्स क्योंकि करंट अफेयर्स हर साल बदलते हैं राइट तो करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट येस वॉट आई एम टीचिंग मोर देन दैट यू हैव टू रीड द बुक ऑल्सो प्लस द करंट अफेयर के साथ आपको uh, होना ही है ठीक है चलिए गुड इवनिंग सुजाता रॉय एंड गुड इवनिंग प्रीति नाउ लेट एस स्टार्ट द्लास वी वो टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज रेट ठीक है ना वी विल स्टार्ट विद एस टू वॉट एक्सचेंज रेट इज ठीक है ना तो सिंपल <coughs> सी बात है एक डॉलर खरीदना है एक डॉलर जैसे कि एक चिप्स का पैकेट खरीदना होता है एक लेज का पैकेट एक अंकल चिप्स का पैकेट खरीदना होता है तो उसके लिए हमें जेब से निकालने पड़ते हैं दस रुपये छोटा पैकेट खरीदने के लिए बीस रुपए निकालने पड़ते हैं बड़ा पैकेट खरीदने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीनी है छोटी बॉटल आएगी बीस रुपए उससे बड़ी वाली आती है चालीस रुपए सो वट वॉट आर वी डूइंग टू इन ऑर्डर टू बाय वन यूनिट ऑफ लेज का पैकेट एक पैकेट ऑफ चिप्स या एक पैकेट ऑफ आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या बिस्किट का पैकेट कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं जेब से एज सिंपल एज दैट नई निखिल बुक का पी डी एफ नहीं मिलेगा यू हैव टू बाई दी बुक इन केस इफ यू वॉन्ट टू रीड द बुक बट पी डी एफ नहीं अवेलेबल एज ऑफ नाव जब आएगा तो देन डेफिनेटली किंडल एंडिशन पे वो अवेलेबल होगा सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट नाउ लेट मी प्लीज टेक अप दूवमेंटम बीच बीच में ये क्वेश्चन बोल के थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक होता है तो हम बात कर रहे थे एक लेज का पैकेट खरीदना है तो जेब में से पैसे निकालने होंगे चिप्स कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पैसे निकालने पड़ेंगे सिमिलरली आप एक डॉलर को एक प्रोडक्ट समझो ना एक डॉलर को एक प्रोडक्ट समझो कि मुझे ये डॉलर डोंट टेक इट एज करेंसी फॉर नाउ जस्ट टेक इट ये कोई प्रोडक्ट है लाइक चिप्स लाइक बिस्किट लाइक कोल्ड ड्रिंक तो मुझे एक डॉलर मतलब मुझे एक डॉलर खरीदना है तो मुझे जेब से कुछ पैसे निकालने होंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डॉलर खरीदने के लिए सत्तर रुपए निकालने पड़े नाउ दैट इज वॉट इज एक्सचेंज रेट कि एक लेस का पैकेट खरीदने में मुझे कितना पैसा एक्सचेंज करना पड़ता है एक्सचेंज में कितने पैसे देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग वन पैकेट ऑफ चिप्स एट होम हाउ मच डू हैव टू गिव ट्वेंटी रुपीज ठीक है दैट इज द एक्सचेंज रेट नाउ विद रिस्पेक्ट टू दि करेंसी तो करेंसी में तुम लोगों को कन्फ्यूजन की हो जाती है क्यों हवा बना लेते हो उस चीज का बनाना ही नहीं है एज सिंपल एज दैट एक डॉलर खरीदना है मतलब एक एक डॉलर को एज ए प्रोडक्ट लो ना तो एक यूनिट खरीदनी है एक सिंगल नोट ऑफ डॉलर लेना है उसके लिए मुझे सत्तर रुपये जेब में से निकाल के देने पड़ेंगे ना दिस इज वॉट इज एक्सचेंज रेट दिस इज वॉट इज एक्सचेंज रेट एज सिंपल एज दैट इसमें कोई तकलीफ नहीं ठीक है अब ये अप्रिसिएशन मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई डॉलर की वैल्यू घट गई रुपी स्ट्रांग हो गया रुपी वीक हो गया ये कैसे पता चले चलो कोई बात नहीं अब हमें ये पता चल गया ना अभी क्या है क्या था मान लो कि फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी 2022 को मुझे अगर एक यूनिट ऑफ डॉलर खरीदना सेवेंटी रुपीज घर से लेके जाऊंगी और वहां पे दे दूंगी ठीक है अब चलते फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई 2022 को गई से 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 मार्केट डॉलर डॉलर खरीदने, एक खरीदने गई और अब मुझे से मुझे जेब अचानक पता चला रुपए निकाल तो निकाल तो तो निकालने पड़ रहे हैं तो आपको जो करेंसी कन्वर्टर होगा वो क्या कहेगा जी जो रुपी है वो डिप्रीशिएट कर गया आपको किसके पर से देखना है आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना है आपके लिए क्या किया है आपके लिए तो महंगा हो गया ना महंगा हो गया क्यों हो गया क्योंकि जो रुपी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई पहले सत्तर रुपए में ही एक डॉलर आ जाता था अब पिचत्तर रुपए जेब से मतलब पांच रुपए एक्स्ट्रा जब मैं जेब से निकाल रही हूं तब जाके मेरा एक डॉलर आ रहा है सो हाउ डू वी पुट इट अक्रॉस कि रुपी जो है डेप्रीशियट कर गया उसकी वैल्यू घट गई अगर रुपी डेप्रीशिएट कर गया तो कैन आई से दैट डॉलर जो है वो एप्रीशियट कर गया डॉलर जो है अप्रीशियट कर गया एज सिंपल एज दैट एक ही सिचुएशन को देखने के दो तो तरीके हैं जैसे कि हम बचपन से सुनते आए कि एक ग्लास है आधा भरा हुआ तो वो आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं उसको आधा खाली भी बोल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सिमिलरली सिमिलरली हम अभी किसके अपने इंडियंस के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि पहले सत्तर रुपये में वो खरीद लाते थे एक डॉलर अब पचहत्तर रुपये देने पड़ रहे हैं तो ये जो डॉलर है एक इंडियन सिटीजन के परस्पेक्टिव से महंगा हो गया ठीक है मतलब रुपी डेप्रीशिएट कर गया और डॉलर एप्रीशिएट कर गया आ वी क्लियर विद दिस कोई कन्फ्यूजन आई डोंट थिंक सब होनी चाहिए सिंपल सी बात थी चलो आगे चलते हैं स्टोरी और बढ़ाते हैं आगे अब रुपी अप्रीशियेट कब करेगा रुपी एप्रीशियट कब करेगा मैं गई एक मिनट वेट 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 अब मैं गई एक डॉलर लेने फर्स्ट ऑफ सितंबर को फर्स्ट सितंबर को गई 2022 में अब मेरे को एक डॉलर खरीदना है तो करेंसी कन्वर्टर ने बोला आप तो मुझे सिर्फ पैंसठ रुपए दे दो और डॉलर ले जाओ पैंसठ रुपए निकाले जेब से और एक डॉलर आ गया मेरे पास ठीक है ये क्या हुआ भैया आप कहोगे पहले सत्तर में फिर पिछहत्तर में भैया रुपी हो गया स्ट्रोंग रुपी हो गया स्ट्रॉन्ग उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई पहले सत्तर देते थे अब आप सिर्फ पैसठ रुपए पहले सत्तर निकालने पड़ रहे थे आप कहोगे यार डॉलर सस्ता हो गया ऐसे समझना ऐसे समझ लो रुपी स्ट्रोंग हो गया ऐसे समझ लो तो रुपी अगर स्ट्रोंग हो गया तो मतलब वो क्या कर गया रुपी एप्रिशिएट कर गया ऑल्सो वी कैन लुक एट दिस सिचुएशन की जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट कर गया

वीक पड़ रहा है जब कम रुपी निकालने से एक डॉलर आ जाता है दैट इज रूपी इज गेटिंग स्ट्रोंगर ठीक है चलो अब एक और नई सिचुएशन रूपी डेप्रीशिएटिंग रूपी एप्रीशिएटिंग ठीक है ना रूपी एप्रीशिएट कब होता है कि जब एक डॉलर हम पैसठ में ले आते हैं ठीक है तो जब रुपी एप्रीशिएट होगा रुपी एप्रीशिएट होगा तो किसको फायदा होगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड नॉलेज चेक करते हैं तो जब रुपी एप्रीशिएट होगा तो किसको फायदा होगा ठीक है जिसको, जिसको जेब में से पैसे निकाल के कुछ खरीदना है डॉलर में ठीक है ना मतलब जिसको रुपी पे आउट कर मतलब डॉलर जिसको खरीदने जिसको डॉलर खरीदने द पर्सन हु टू बाय डॉलर द पर्सन टू बाय डॉलर्स द पर्सन हु हैजू बाई दी डॉलर उसके लिए तो फायदा है ना कि रुपी स्ट्रॉन्ग होता जाए और, और जो डॉलर है वो डेप्रीशिएट करता जाए तो डॉलर की डिमांड कौन करते हैं यूजली यूजली इम्पोर्टर्स आप कहोगे मैम इम्पोर्टर्स कैसे करते हैं डॉलर की डिमांड क्यों क्योंकि मैंने सामान इम्पोर्ट किया है यूएसए से मैकबुक मंगाए हैं आईफोन 14 लॉन्च हुआ है मुझे उनको बिल कौन सी करेंसी में पे करना पड़ेगा डॉलर में पे करना पड़ेगा सो so, ऐसे लोग जो डॉलर की डिमांड रखते हैं मार्केट में उनके लिए जब डॉलर वीक हो जाएगा उनके लिए फायदेमंद होगा अब जब हमने दिमाग लगा के देखा कि डॉलर की डिमांड यूजअली कौन लोग करते हैं डॉलर की डिमांड जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू सेटल दी बिल मान लो अगर मुझे बाहर घूमने जाना है आई एम गोइंग टू अमेरिका ठीक है अब मैं भी डॉलर की डिमांड कर रही हूं मतलब अ सिटीजन हु इज गोइंग अब्रॉड घूमने के लिए सो दे आर डिमांडिंग दी डॉलर उनके लिए क्या है जैसे ही डॉलर कम होएगा, उनके लिए फायदेमंद स्थिति है क्यों? पैंसठ रुपए में एक डॉलर एक सौ तीस रुपए में दो डॉलर ऐसे करते हुए मैं बहुत सारे डॉलर खरीद लूंगी ठीक है अब रुपी डेप्रीशिएट करता है तो उससे किसको फायदा होता है रुपी जब डेप्रीशिएट ये जैक स्पैरो जैक स्पैरो जी आए हैं यहाँ पे वेरी गुड सो इम्पोर्टर्स सो ही हैज गॉट इट राइट ठीक है अभी संदीप विल गेट टू दिस कि स्ट्रॉन्ग और वीक होता है उसके बारे में बात करेंगे पहले एक बार मैकेनिज्म समझा दू विल गेट टू दैट ऑल्सो अब रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है अगर ये समझ आ गया तो इसका उल्टा अपने आप कर देना कि अगर इम्पोर्टर्स को यहां पे फायदा हो रहा है तो यहां किस पे को फायदा होगा यहां एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा कैसे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा अब आप ये सोचो आपको आपके मामा जी बाहर रहते हैं किसी दूसरी कंट्री में उन्होंने आपको एक डॉलर भेजे ठीक है आप वो एक डॉलर लेके करेंसी कन्वर्टर के पास गए उसने आपको दिए सत्तर रूपये ठीक है कुछ टाइम बाद आप वही डॉलर लेके फिर से गए और आपको मिले पिचहत्तर रुपये तो आप कहोगे यार ये तो बढ़िया हो गया यार पहले एक डॉलर में सत्तर रुपये इंडियन रुपीज मिलते थे अब एक डॉलर में पिचहत्तर इंडियन रुपीज मिलने लग गए सो so जब रुपी डेप्रीशिएट करेगा रुपी डेप्रीशियेट करेगा हु विल गेन द पर्सन हु इज रिसीविंग दी डॉलर अब किसको डॉलर रिसीव होते हैं जो एक्सपोर्टर्स होते हैं एक्सपोर्टर्स को कैसे होते हैं भाई एक्सपोर्टर ने सामान यूएसए भेजा तो बाहर जो यूएसए में रह रहा है बंदा जो कंपनी है वो इंडियन को क्या भेजेगी वो डॉलर्स भेजेगी और वो इंडियन जो एक्सपोर्टर है वो जाके उसको रुपयी में कन्वर्ट कराएगा तो जब रुपी डेप्रीशियेट कराएगा तो पहले सॉरी रुपी जब डेप्रीशियेट करेगा तो जब वो पहले एक्सचेंज करा रहा था तो उसको सत्तर रुपये मिल रहे थे अब उसको उसी डॉलर के पिचत्तर रुपये मिल रहे हैं राइट उसी डॉलर के पिचत्तर रुपये मिल रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स आर एट एडवांटेज और क्यों इसको रटना नहीं है इसी एग्जाम्पल को क्लास खत्म होने के बाद खुद से लिख के देखना कि मैंने क्या बोला था वी विल टॉक अबाउट कि कैसे हु डिसाइड्स दैट अभी अभी एक 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 बार एक बार बार रुक जाओ थोड़ा सा पेशेंस तो ये अप्रीसिएशन और डेप्रिसिएशन समझ आया कि कौन किस टाइम एक फेवरेबल सिचुएशन में होगा ठीक है चलो अब आंसरिंग टू द क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हु डिसाइड्स Who decides कि क्या एक्सचेंज रेट होगा हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सत्तर है कल एक डॉलर पचहत्तर है who is deciding? It all depends upon कि हम किस एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आते हैं ठीक है ना अब तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है ना ध्यान से समझना ध्यान से समझना ठीक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है ना जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होती है या Central Monetary Authority of the country होती है, वो एक चार्ट कर देती है भैया डॉलर हुआ सत्तर, एक यूरो होगा अस्सी रुपए में मिलेगा एक येन आपको, whatever, सत्तर पिछहत्तर जितने भी ठीक है ना एक पाउंड आपको सौ रुपए में मिलेगा तो इट इज सेंट्रल बैंक विच रिलीज अ चार्ट ऑफ टेलिंग ठीक है दूसरा केस होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसमें मार्केट फोर्सेस जिसमें मार्केट फोर्सेस आई थिंक धारणी आई डो नॉट नो क्या वो बच्चे का नाम था जो पूछ रहे थे काफी सारे बच्चों ने पूछा दैट इज दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड तो अब मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या था जब हमने कहां पे बात करी थी बॉन्ड यील्ड की जब बात कर रहे थे भाई अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा एग्जाम्पल कैसे जब याद है फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी तो अचानक से सैनिटाइजर है वो बहुत कीमती दिखाई देने लग गए थे वो सैनिटाइजर जो हर रेस्टोरेंट के दरवाजे पे या केमिस्ट शॉप पे पड़े होते थे हम कभी सोचते भी नहीं थे उसको खरीदने का ठीक है ना अचानक से क्या हुआ कि सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी सप्लाई तो लिमिटेड थी जितना स्टॉक पड़ा है उतना ही है लॉकडाउन और लग गया था ठीक है तो क्या हुआ सैनिटाइजर की वो तीस रुपए की बोतल डेढ़ सौ रुपए की मिलने लग गई क्यों ऐसा क्या हुआ था क्योंकि सैनिटाइजर की जो डिमांड है वो बढ़ गई ठीक है ना अब जो उस सैनिटाइजर की बोतल के ज्यादा पैसे देगा अपने आप मेडिकल शॉप वाले को पता चल चुका है कि भैया अब तो ये महंगे में बिकेगा अपना सामान तो जैसे ही डिमांड बढ़ी पता है सप्लाई पीछे से आ नहीं रही है तो प्राइस क्या बढ़ेगा दिस इज वॉट इज मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर यहाँ पे सप्लाई अगर सप्लाई नॉर्मल रहती सप्लाई नॉर्मल रहती तो क्या प्राइस बढ़ पाता नहीं भैया पीछे से इतनी सप्लाई है जितने मर्जी बेच लो क्योंकि सप्लाई थी ही नहीं सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ती जा रही थी हॉस्पिटल्स में मांगते जा रहे थे अवेयरनेस प्रोग्राम की सैनिटाइज करो हाथ सैनिटाइज करो तो उसके प्राइस जो है बढ़ते जा रहे थे ठीक है आवी विद दिस समझ आ रही है चीज सेम गोल्स विद सेम गोल्स विथ करेंसी इज ऑल्सो सेम सैनिटाइजर वाला लॉजिक हमें अप्लाई करना है uh, करेंसी पे भी कैसे अप्लाई करना है चलिए अचानक से अब हम सगम्स पे नहीं जा रहे पीछे के अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सबको लगता है कि भाई ये डॉलर खरीद लेने चाहिए ठीक है ना डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ गई है सप्लाई जो है वो पहले जितनी है सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई है तो डिमांड का जो, जो डॉलर का जो प्राइस है बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि करेंसी कन्वर्टर बोलेगा कि भैया डॉलर सत्तर का था लेकिन अब बहुत लोग मांग रहे हैं तो मैं तो बहत्तर में बेचूंगा खरीदना है तो खरीद लो वरना जाओ हो सकता है कुछ दिन बाद वो बोले भैया अब तो सेवेंटी थ्री में बेचूंगा मैं डॉलर क्योंकि उसको पता है इतने लोग खड़े हैं खरीदने के लिए सप्लाई है नहीं किसी के पास माल कहते हैं ना जैसे दुकानदार बोलता है माल अवेलेबल है नहीं है माल अवेलेबल है नहीं है तो मैं तो अपने मुंह बोले दाम पे बेचूंगा ये क्या है दीज आर दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड दैट इज व्हाट वर्क विद द करेंसी एज़ वेल अचानक कुछ ऐसा होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है ठीक है ना तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा जब तक हम साथ-साथ सप्लाई ना बढ़ा दें ठीक है ना

नेक्स्ट आता है मैनेज फ्लोट सिस्टम अब ये मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है ये दोनों के फायदे और नुकसान को एक साथ ले लेता है ठीक है ना एंड दिस इज द सिस्टम विच इज बिंग फॉलोड इन इंडिया नाउ वट इज मैनेज फ्लोट इसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है ना वो बोलती है कि एक प्राइस बैंड तक एक प्राइस बैंड तक जब तक एक्सचेंज रेट रहेगा तब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे लेट दार्केट फोर्स डिसाइड इट जैसे ही इस टॉलरेंस बैंड के ऊपर या नीचे जाएगा एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक विल कम इन टू पिक्चर एंड रेगुलेट दी सप्लाई जैसे कि अभी रीसेंट केस हुआ था क्या हुआ था रीसेंट केस अभी क्या हुआ था एक डॉलर 72 रुपए में आ जाता था करते-करते एक डॉलर ऑलमोस्ट 80 रुपए टच कर गया ठीक है मतलब अगर मुझे 1 डॉलर खरीदना है मुझे 80 रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे तो मतलब रुपए तो डेप्रिशिएट कर गया था और डॉलर एप्रीशियट कर गया था और हुआ क्या क्यों रीजन क्या था जो डिमांड थी डॉलर की डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रही थी सप्लाई जो है वो बढ़ी नहीं ठीक है इसलिए जो अस्सी रुपए देगा उसी को जो करेंसी कन्वर्टर है वो डॉलर दे रहा था नाउ एज आई सेड एज सेड मैनेज फ्लोट सिस्टम में क्या होता है एक प्राइस बैंड तक तो सेंट्रल बैंक वेट करती ठीक है मार्केट प्ले कि कहाँ जाता है एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर उस टॉलरेंस बैंड के बाहर जा, गय, जाएगा तो सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन एंड रिलीज सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन एंड रिलीज रिलीज दी दी सप्लाई सप्लाई ऑफ ऑफ डॉलर्स क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास देर इज फॉरिक्स रिजर्व हर करेंसी का एक बैलेंस मेंटेंड होता है तो आर ने क्या किया इंटरवीन किया और ये जो सप्लाई यहाँ जीरो थी मतलब स्टेबल थी उसमें सप्लाई में क्या किया सप्लाई इंक्रीज करी अब सप्लाई इंक्रीज हो गई मतलब जैसे हम कॉमन भाषा में बात करें मार्केट में माल इजिली अवेलेबल है अगर हर वो प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल है तो उसका कोई कैसे एक्सक्लूसिव प्राइस चार्ज करेगा ये इंक्रीज प्राइस चार्ज करेगा सो so, जो डॉलर है वो अपने आप क्या नीचे आने लग गया समवेयर अराउंड सेवेंटी एट आ गया ठीक है सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो होता है इट इज दैनिज सिस्टम क्यों इसमें एक लिमिट तक तो एक लिमिट तक तो फ्री प्ले होता है मार्केट फोर्सेस का उसके बाद दी सेंट्रल बैंक कम्स इन टू ठीक है चलिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर यस नहीं 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 अब धारणी इफ वी एक्सपोर्ट मोर आप कह रहे हो ये कैसे लॉजिक बिठाया आपने कि आपने एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया यू विल रिसीव मोर ऑफ डॉलर्स यू विल रिसीव मोर ऑफ डॉलर्स राइट सो यस उसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन हो सकता है कि हमारे पास अबंडेंस ऑफ डॉलर्स है तो डॉलर डेप्रीशिएट करेगा और रुपी एप्रीशिएट करेगा दिस वे यू कैन से ठीक है ना एंड वेन वी इम्पोर्ट मोर वेन वी इम्पोर्ट मोर तो डॉलर का आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ना डॉलर डौ, का आउटफ्लो बढ़ेगा मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा ठीक है ना एंड रुपी का प्राइस कम होगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन यू आर राइट यस बताइए संदीप साहोता क्या हो गया मतलब इज अ लिमिट जहां मैं आंसर कर सकती हुं. एक एक करके अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करते रहना है कि यूर नॉट आंसरिंग या यू वॉन्ट टू कमांड मी देन यू आर फ्री टू लीव एंड यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्लियर आउट योर डाउट विद समन एल्स यू हैव टू बी रियली पेशेंट बिकॉज दे आर सो मेनी स्टूडेंट्स ठीक क्या, क्या है आपका संदीप नहीं संदीप यस yes. जब बच्चे मुझे इंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं ना दैट इज व्हाई आई दैट इज वेयर आई स्टार्ट हेटिंग कि क्या कर रहे हो आप लोग रूप संदीप मैंने पूरी स्टोरी सुना दी यहाँ पे कि रुपी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है मैंने क्या समझाया मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कैसे बताया uh, हां जी मोर इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट्स रिजल्ट्स इन रूपी डेप्रीसिएशन मोर इंपोर्ट्स यस इट लीड्स टू रुपी डेप्रीसिएशन क्यों क्योंकि हम डॉलर को डिमांड कर रहे हैं ज्यादा डॉलर डिमांड कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा डॉलर का मतलब डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है तो उसके रुपी करेगा नो इज नॉट दैट एवरी टाइम फॉल्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप एक्चुअली क्या है आपके नजरों में चीजें कब आती है जब आप ये पढ़ते हो कि जब रूपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाता है दैट इज वाई आप लोगों के दिमाग में चीज बनी हुई है रूपी हर टाइम डेप्रिशिएट ही क्यों करता है ऐसा नहीं है देर आर टाइम्स वेन रूपी एप्रिशिएट ऑल्सो करंसी की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डेप्रीशिएट करेगा सुजाता कौन सी करेंसी की बात कर रहे हो यहाँ दो है। कौन सी का सप्लाई बढ़ा रहे हो विल डिसाइड कि कौन सी करंसी एप्रिशिएट करेगी कौन सी करेंसी डेप्रीशिएट करेगी ठीक है ना अगर आप इंडियन रुपी का सप्लाई बढ़ा दोगे तो मतलब देर आर मोर इंडियन रुपीज देर आर मोर इंडियन रुपीज चेजिंग लेस डॉलर ठीक है ना तो अपने आप ये चीज कीमती हो गई रुपीज if, if तो अपने आप बहुत फ्रीली अवेलेबल है डॉलर बहुत फ्रीली अवेलेबल है डॉलर तो अपने आप ये नीचे आएगा ठीक है चलो फिर जैक स्पैरो क्या पूछ रहे हैं विरोध क्यों करते हैं लोग जबकि इंडिया क्यों भाई इंपोर्टर्स को भी तो बिल सेटल करना है जैक यार एक तो नाम ठीक करो अपना वॉट इज योर रियल नेम प्लीज टेल मी दैट आई डोंट लाइक कॉलिंग ऑल दीज फिल्मी नेम्स सो रुपी डेप्रिशिएट होने पे एक्सपोर्टर्स को तो फायदा हो रहा है लेकिन इम्पोर्टर क्या करें इंडिया इज अ इम्पोर्टिंग कंट्री स्टिल हमारा इम्पोर्ट बिल इज़ मोर देन दी एक्सपोर्ट बिल भाई तो हमारा आउटफ्लो इज ज़्यादा तो भाई रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो ओ, हमारे लिए तो नुकसान मतलब डॉलर एप्रिशिएट करेगा और रुपी डेप्रीशिएट करेगा हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हम क्रूड ऑयल हमारा नाइन्टी एट परसेंट ऑफ दी क्रूड ऑयल बाहर से आता है ठीक है चलो चलिए सो यस यस सो किम जॉग सो ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन जो होता है दैट इज वॉट इज मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसी तो मार्केट फोर्स कहते हैं कि, कि भैया किस डायरेक्शन में जा रहा है इट इज नॉट अबाउट सडन और ग्रेजुअल अभी जो हुआ था वो ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन था होता रहा होता रहा होता रहा और एक लिमिट के बाद जब वो एटी तक पहुंच गया सेवेंटी नाइन पॉइंट एट फोर पहुंचा था एंड आरबीआई टुक दी स्टेप की अब तो दे रिलीज प्रेस नोट कि भाई नाउ वी आर इंटरवीनिंग इन दी एक्सचेंज मार्केट बिकॉज अब अगर हमने नहीं किया तो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगा इंपोर्टर्स को इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल का बिल कौन क्लियर करता है गवर्नमेंट ही तो क्लियर करती है हमारा जो हमारी जो नेचुरल गैस आती है रशिया से जिससे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं सो वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट हमारा जो एडिबल ऑयल है उसका बिल कैसे अगर इत, इतना डिप्रीशिएट कर गया तो हमारा जो एडिबल ऑयल का बिल है जो हम जिसमें पूड़ियां तल के खाते हैं पकौड़े तल के खाते हैं वो बढ़ जाएगा वो चीजें फिर हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आ जाएगी ठीक है so, सो थोड़ा सा चीजों को समझने की रिलेट करने की कोशिश करो कि डेप्रिसिएट इसलिए नहीं होने देती है क्योंकि वी आर स्टिल इम्पोर्ट डिपेंड अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होती कि भैया एक्स, एक्सपोर्ट जाने दो क्योंकि हमारे पास डॉलर आएंगे तब तो डेप्रिसिएशन वी स्टिल कैन अफोर्ड बट हम क्या है इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है अभी भी बहुत चीजें जो है हम इम्पोर्ट करते हैं ठीक है चलो आई होप इट इज क्लियर Now, now we are to the last topic, जो इस बारिल्स में क्वेश्चन आया और कम कपी मच गई कि भैया व्हाट इज दिस नीर एंड रीर सो नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो आपको इन वर्ड अच्छा, तो पे फोकस करते हैं नॉमिनल एंड रियल ये नॉमिनल और रियल हमने और कहा पढ़ा था ये नॉमिनल और रियल हमने कहा पढ़ा था नॉमिनल और रियल याद है हमने जी में पढ़ा था कि एक होती है नॉमिनल जी दूसरी होती है रियल जी ठीक है रियल जीडीपी क्या होती है इट इज एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन इट टेल्स यू द रियल पिक्चर कि एक्चुअली में कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है ये सिर्फ बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गए प्रोडक्ट के इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है ठीक है सो सो इट्स ओके संदीप इट्स ओके बस मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ या तो मैं पढ़ा सकती हूँ या मैं आपकी चैट्स रीड कर सकती हूँ मैं आई डू नॉट हैव एनी बायजनेस टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट देखिए मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं ठीक है स्पेशली अच्छा वो मेरे फेवरेट बन जाते हैं जो थोड़ी मेहनत करते हैं ठीक है वो मैं बता देती हूँ बट आई हैव नॉट मेट एनी वन ऑफ यू राइट मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स राइट नाउ इज एट पार इज एट इक्वल विद एवरी वन ठीक है तो एक चार्ट पढ़ती हूँ उतनी देर में दूसरे का मैसेज आ जाता है सो इट इज माई मतलब एक ह्यूमन दैट्स ह्यूमन लिमिटेशन की वो एक ही चैट को एक बार में एक ही एक ही पढ़ सकते हैं है। so मतलब, कर अरे मैं क्यों नहीं करूंगी आई एम हेयर टू क्लियर आउट योर डाउट ऑनली ना कि इकोनमी में आप सबके लिए इजी बना सकू राइट right? चलो ठीक है चलो लेट्स लेट्स फॉर गेट दैट संदीप सो यस किमजोंग तभी तो वो डिवेल्यूएशन कर देते हैं करंसी का

बट दिस इंडेक्स ये एक इंडेक्स है जब हम इंडेक्स बनाते हैं जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया तो उसमें हम मल्टीपल चीजें इंक्लूड करते जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम फूड एंड फर्निशिंग्स हम टोबेको हम मिसलेनियस हम प्राइमरी आर्टिकल्स इवेन बी टॉक अबाउट दी डब्ल्यू पी आई तो मतलब इंडेक्स में देर इज अ बास्केट विच इज मेड ठीक है ना तो अब नीर एंड रीर की जो बास्केट बनती है अब ये जो बास्केट बनेगी किसकी बास्केट बनेगी मतलब आपको समझ आ गया कि इंडेक्स मतलब ठीक है है ना बनती करंसीज की पे बनती है, currencies की. यहां पे बास्केट बनती है currencies की कौन सी करंसीज जिसके साथ इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशन हैं इंडिया के ट्रेडिंग मतलब मैक्सिमम ट्रेड जिनके साथ इंडिया करता है उस उन करेंसीज़ कि एक बास्केट बनाती जाती है अब वो बास्केट कितनी इस बास्केट में कितनी हैं? आपका तो क्वेश्चन है, में डाल दिया जाता है क्योंकि हमें इंडेक्स बनाना है ठीक है ना और हर एक हर एक करंसी को क्या असाइन होता है वेट असाइन होता है द दाय द वेट इज असाइन क्योंकि हर हर कंट्री के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस अलग हैं मतलब ये नहीं व्यवहारिक तौर पर भाई हमारा यूएसए और चाइना के साथ सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो so, सबसे ज्यादा हम कौन सी दो करेंसीज यूज कर रहे हैं मान लो एक तो हो गई डॉलर और एक हो गई चाइनीज रेन रेन में भी ठीक है so, सो इस इंडेक्स में करेंसीज डालते हैं और हर करेंसी के आगे क्या असाइन करते, है? करते हैं हम वेट असाइन करते हैं एंड दिस वेट इज डिपेंडेड अपॉन दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टर्म्स दैट वी मेंटेन विद दैट पर्टिकुलर करेंसी ठीक है और सॉरी द कंट्री अब हमारा अब हम इस इंडेक्स के विद दी हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स हम क्या देखते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स वी फाइंड आउट वी फाइंड आउट कि हमारा जो करेंसी है हमारा जो इंडियन रुपी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा भाई एक्सचेंज रेट पे तो हम पता लग, लगा देते भाई एक डॉलर आज 70 है एक डॉलर आज पचहत्तर है साफ पता चल जाता था विद दी हेल्प ऑफ दिस नीर एंड रीर हम डायरेक्शन पता लगाते हैं कि इस बास्केट में कैसा मूवमेंट है क्योंकि अगर भाई हमारे रिलेशन मान लो 36 कंट्रीज के साथ हैं तो इन 36 कंट्रीज की जो करेंसी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी भले ही कुछ की ऊपर मूव करेगी कुछ की नीचे मूव करेगी उन सबका इंपैक्ट इंडियन करेंसी पर आएगा ना क्योंकि उनका डिमांड एंड सप्लाई उनके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा तो दैट विल डेफिनेटली अ बियरिंग ऑन इंडियन रूपीज एज वेल ठीक है ना So, इस पूरे इंडेक्स के मूवमेंट से हम पता लगाते हैं कि जो हमारी करेंसी है विच इज दी आई एन आर विच इज वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा दैट इज वॉट वी फाइंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज नीर सिमिलरली रीर के साथ भी यही होता है बस ये फर्क है कि इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जैसे कि हम रियल जी डी पी और नॉमिनल जी डी पी में बात करते थे अब क्वेश्चन क्यों आ गया प्रिलिम्स में क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो तो सर्वे होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए रिलीज होता है सर्वे आपको इट्स लाइक रिपोर्ट कार्ड की पिछले साल कंट्री ने किस तरीके से परफॉर्म किया था सो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 मतलब जो इस साल रिलीज हुआ था जो बजट के साथ रिलीज़ uh, किया गया था उसमें क्या हुआ था ये जो बेस ईयर है बेस ईयर ऑब्वियसली बेस ईयर तो कैलकुलेट करना पड़ता है हमको रखना पड़ता है क्योंकि हमें करेंसीज देखनी पड़ेंगी कि भैया इस इस साल में इस करेंसी का क्या भाव था या क्या एक्सचेंज रेट था तो बेस ईयर एक तो चेंज हुआ था 2004 था 2004 5 था 2015 16 कर दिया था आल्सो ये जो बास्केट थी ना ये बास्केट में भी चेंजेज हुए थे कुछ करंसीज कुछ करंसीज हटा दी थी एट हटा दी थी, कर दी थी थी एट आउट कर एंड फोर न्यू वर एडेड तो मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था इस बार मैंने तभी बोल दिया था कि एक बार नीर और रीर आंखों के सामने से निकाल लेना तो जो मेरे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस जिन्होंने मेरी ली है उन्होंने नीर और रीर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का मैसेज आने जा रहा था मैम ये नीर वीर क्या है हमने तो पहली बार सुना है सो दैट इज वाई बुक में है एक बार इसको अच्छे से देख लेना क्या है दिस इज नॉट एन एक्सचेंज रेट ये एक इंडेक्स है इंडेक्स क्या है और इंडेक्स हमेशा किसी मल्टीपल चीजों से बनता है सो दिस इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज जिसके साथ इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशन है सबसे ज्यादा सो देर आर टोटल थर्टी सिक्स करेंसीज एंड चेंजेस क्या हुआ था कि बेसियर चेंज हुआ था एंड द बास्केट वॉज चेंज्ड आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो बस इतना ही था आज की क्लास का इसके बाद एक क्लास और लगेगी एक क्लास और हमारी लगेगी विद रिस्पेक्ट टू कम्प्लीटिंग दिस एक्सटर्नल सेक्टर वाला टॉपिक यस केवल इंडेक्स नंबर निकालना पड़ता पड़ता है पड़ता पढ़, है लगता है ऑब्वियसली तभी तो आपको पता चलेगा कि ऊपर जा रही है वैल्यू के नीचे जा रही है ठीक है एस डी आर क्या होता अबाउट दैट आज नहीं आज चल वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट वॉट इज रिजर्व ट्रांसपोजिशन टॉक अबाउटलीस टू वॉट इज एस डी आर एस डी आर एक करेंसी एक यूनिट होती है बेसिकली आई एम एफ की ठीक है ना इट्स नॉट अ करेंसी इन इट सेल्फ ठीक है ना आई एम एफ की इसको इजियर समझाने का तरीका मैं ऐसे समझाती हूँ कि आई एम एफ की करेंसी मान लो वो कैसे वर्क करती है इंडिया को कितने एस डी आर एलोकेट होते हैं वी विल टॉक अबाउट अभी जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी ठीक है चलो सो नाउ विद्लास कल डेफिनेटली फिर से उठाएंगे इस टॉपिक को आई होप एक्सचेंज रेट आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं आएगा कि वॉट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिक्स एक्सचेंज रेट इम्प्लीकेशन आएगा कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो उससे किसको फ़ायदा होगा इंपोर्टर को होगा या गवर्नमेंट को होगा या एक्सपोर्टर को होगा सो दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू नो वो दैट इज़ वॉट यू शुड नो एंड दिस इज माई टेलीग्राम सॉरी दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी If you would want to follow me, uh, because because I keep updating things as well and yahan pe telegram pe definitely again I keep on saying sorry again and again and still repeat that mistake कि I am not regularly updating the editorials jo aapko aapke mains ke notes mein dalne chahiye but I promise I promise कि जल्दी इस चीज को मैं streamline कर दूँगी सो दर आपके जो mains के notes हैं with the help of editorial बन जाए अगले तीन महीने में and uh, thank you so much Iman uh, for the appreciation So stay tuned and we'll meet tomorrow soon.